शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम इस मणि को ले जाकर नष्ट कर देंगे। क्योंकि वो सर्पिका इस चंद्रमणि को प्राप्त करने के लिए यहीं कहीं घूम रही होगी, इससे बेहतर यही होगा कि आप इसे यहीं नष्ट कीजिए। हाँ, सुनैना सही कह रही है। हम नहीं चाहते कि सर्पिका इस मणि को चुराने के लिए फिर से कोई अपनी नई चाल चले। अच्छा, ये चंद्रमणि नष्ट हो गई। अब ये भय तो नहीं रहेगा कि कोई काली शक्ति इसका दुरुपयोग करेगी। हाँ सुनैना, तुम सही कह रही हो। शक्ति का कोई दुरुपयोग करे तो प्रलय आ जाती है। अब हमें उस प्रलय का कोई भय नहीं। जी, अब ना तो वो चंद्रमणि है और ना ही उससे जुड़ा कोई भय। पता है सुनैना, जब भी हम हथियार उठाते हैं तो हमारी अग्निवंशी शक्तियां अपने आप जागृत हो जाती हैं। किंतु आज हमें आभास तक नहीं हुआ। शायद आप पर उस काली शक्ति के आक्रमण का प्रभाव अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ होगा। शायद स्वप्न हम बरसों से देख रहे थे, आज हमने वो प्राप्त कर लिया है। अब दुनिया भर की काली शक्तियां हमारे सामने नतमस्तक होंगी। अब हम काली शक्तियों की महारानी बन जाएंगे। जो चाहेंगे वही करेंगे, अचल अमर हो जाएंगे। अब हमें ना तो कोई पराजित कर पाएगा, ना ही हमारा विनाश कर सकेगा। अब हमें तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं। अब हम तुम्हारी साधना नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो काली शक्तियां हमारी साधना करेंगी। महाडाकिनी चंद्रलेखा की साधना। भूत, चुड़ैलों, पिशाच, पिशाचिनियों, डाकिनियों, निशाकिनियों, सर्पिनियों, आओ, तुम्हारी महारानी तुम्हें बुला रही है। आओ और काली शक्ति की महारानी के सामने अपना सर झुकाओ। आओ, हमने कहा आओ, तुम्हारी महारानी तुम्हें बुला रही है। आकर अपना सर झुकाओ हमारे सामने।
काली शक्तियों आओ। हम कह रहे हैं आओ हमारे सामने सर झुकाओ, वरना हम इस मणि के प्रयोग से तुम सबका विनाश कर देंगे। आओ। ये कैसे हो सकता है? ये चंद्रमणि तो असली है, फिर इसके शक्ति से आवाहन करने के बावजूद ये काली शक्तियां क्यों नहीं रही? काली शक्तियों आओ, तुम्हारी महारानी तुम्हें बुला रही है। आओ और हमारे सामने अपना सर झुकाओ। चंद्रमणि प्राप्त करने के बावजूद हम इसकी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सुनैना कर पा रही थी इसका प्रयोग? ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम्हारी प्रसन्नता तो क्षण भर में ही उदासी में बदल गई। महाशक्तिशाली काली शक्तियों की महारानी डाकिनी चंद्रलेखा, तुम जैसी अभिमानी और स्वार्थी काली शक्ति के साथ यही होना चाहिए, जिसने एक पत्थर को पाते ही गुरु को ठुकरा दिया। ये पत्थर नहीं, चंद्रमणि है डाकुरु। जब तक इसके अंदर निहित शक्तियों का द्वार नहीं खुल जाता, तब तक ये सिर्फ एक पत्थर है। दैवीय शक्तियों ने इस चंद्रमणि की शक्तियों को इसके अंदर ही बंद कर दिया है, ताकि काली शक्तियां इसका उपयोग ना कर पाए। इसकी शक्तियों का उपयोग केवल एक पवित्र आत्मा ही कर सकती है, वो भी सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए। किसी भी तरह के बुरे या स्वार्थ से भरे कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। नहीं डाकुरु, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए डाकुरु, हमारी सहायता कीजिए। देख लिया ना तूने अपने अतिशय अभिमान का परिणाम? देखो कौन किसके आगे नतमस्तक हो रहा है। चंद्रलेखा, क्षमा कर दीजिए हमें डाकुरु, क्षमा कर दीजिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख हैं। हमारी मूर्खता के लिए हमें क्षमा कर दीजिए और हमें बताइए कि इस चंद्रमणि की शक्तियों के द्वार को कैसे खोलना है, बताइए डाकुरु। ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर हाँ, जिस पवित्र आत्मा पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद होगा उसे अवश्य पता होगा कि मणि की शक्तियों का द्वार कैसे खुलता है। सुनैना पवित्र आत्मा है और उस पर देवीय शक्तियों का आशीर्वाद भी है। इसका मतलब अब हमें चंद्रमणि की शक्तियों के द्वार को खुलवाने की जानकारी सुनैना से लेनी होगी। उस काली शक्ति का इस प्रकार महल के भीतर आ जाना कोई साधारण बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो काली शक्ति कितनी खतरनाक है, और वो हमारे राज्य के लिए, हमारे महल के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए मंत्री जी, हम आपको ये आदेश देते हैं कि आप राज्य का चप्पा चप्पा छान मारिए, किंतु उस काली शक्ति को ढूंढ निकालिए। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पकड़ी जाए। जी महाराज, जा सकते हैं।